How Boot become a successful product in India? Boot India का एक successful product बन चुका है। इसको और भी ज्यादा successful माना जाता है क्योंकि Boot 5 साल पहले ही launch हुआ था और आज ये अपना top 4 brand में अपना जगह बना चुका है। Boot के founder अमन गुप्ता को बहुत जगहों से rejection मिला, but he didn't give up। वो लगे रहे और कोशिश करते रहे और वो आज Boot 1.5 billion valuation वाला company बन चुका है। Boot इतना जल्दी successful कैसे बना? Boot का इतना successful बनने के पीछे सिर्फ 3 कारण था। तो इसका शुरुआत 2016 में हुआ। इंटरनेट का प्रॉब्लम देखते हुए मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो लॉन्च किया। जियो लॉन्च होते ही बहुत सारे बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो हुए, उसमें से एक स्मार्टफोन मार्केट भी था। 2016 में मोस्टली पीपल 3G फोन यूज कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि आप जियो सिम को 3G फोन में यूज नहीं कर सकते थे। जियो सिम के लिए 4G फोन रहना जरूरी था। आप जियो सिम को 4G फोन में ही यूज कर पाओगे, अदरवाइज नो ऑप्शन। तो जितने भी न्यू कंपनीज है इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। वीवो, ओप्पो, MI इन सभी ब्रांड को पहले कोई जानता ही नहीं और आज हम सभी इस ब्रांड का ही फोन यूज कर रहे हैं। तो 2018 में एप्पल मार्केट में कमबैक कर एप्पल ने अपना सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया आईफोन X। इसके आते ही मार्केट में तहलका मच चुका था। इसके साथ ही एप्पल ने लॉन्च किया ईयरबड्स। आईफोन X लॉन्च होने के बाद हर किसी को आईफोन ही चाहिए था और ईयरबड्स के कारण फोन मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। एप्पल को देखकर सभी फोन ब्रांड अपने बॉक्स से ईयरफोन रिमूव कर रहे थे। इसके कारण मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुका था ईयरफोन का। पर इंडिया में कुछ ही ब्रांड थे जो प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन बनाते थे, बट प्राइस भी बहुत ज्यादा होता था। अगर आप चार्ट में देखें, देन यू अंडरस्टैंड बेटर। इन चार्ट आई डिवाइड 3 कैटेगरीज, प्रीमियम, सब प्रीमियम एंड इकोनॉमी। प्रीमियम में दो ब्रांड्स आते हैं, बोस एंड एप। इसका प्राइस रेंज 15,000 प्लस होता है। सब प्रीमियम में JBL, इसका प्राइस रेंज 10,000 से 15,000 के बीच में होता है। एंड द लास्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी में कई सारे ब्रांड्स आ जाते हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। मीवी, बोट, नॉइस एंड स्कल कैंडी, इसका प्राइस रेंज 1000 से 5000 के बीच में होता है। इकोनॉमी में तीन और ब्रांड होने के बावजूद सभी बोट को ही प्रेफर क्यों करते हैं? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अमन गुप्ता पहले से ही जानते थे मीवी, नॉइस, स्कल कैंडी इन तीनों ब्रांड में किसी का बिल्ड क्वालिटी खराब था और किसी का नॉइस बहुत ज्यादा था। इन सभी चीज को देखकर अमन गुप्ता ने डिसीजन लिया, हम सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगे पर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सभी ब्रांड सस्ता प्रोडक्ट बनाने के वजह से क्वालिटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे। इसी चीज का बोट ने फायदा उठाया। इस स्ट्रेटजी के कारण ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं था जो बोट को बीट कर पाए। बोट इतना अफोर्डेबल ब्रांड है कि इसका स्टार्टिंग ईयरफोन का प्राइस 299 से स्टार्ट होता है। चीप एंड बेस्ट क्वालिटी होने की वजह से बोट 2019 में ही 300 करोड़ वैल्यूएशन वाला कंपनी बन चुका था, बट एडवर्टाइजमेंट से बोट का और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ने वाला था। अमन गुप्ता को पता था इंडिया में सिर्फ 3 चीज चलता है, बॉलीवुड, क्रिकेट और म्यूजिक। तो हार्दिक पांड्या, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, नेहा कक्कड़ जैसे सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अमन गुप्ता ईयरबड्स को सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए ही नहीं एज अ फैशनेबल ट्रेंड बना दिया और इस एडवर्टाइजमेंट से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और ईयरबड्स को लोग एज अ फैशन यूज करने लगे। और क्या आप भी बोट का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कमेंट करें, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन लोग बोट का प्रोडक्ट यूज करता है। तो एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया, जिससे आज बोट 1500 करोड़ वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है और ये 5 साल में इंडिया का 38% मार्केट कैप्चर कर लेगा। बोट अपना IPO भी लाने वाला है, जिससे बोट का और भी ज्यादा कैश, उससे अमन गुप्ता अपने कंपनी को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं और न्यू बिजनेसेस में इंटर कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हैं? अगर आपको खुद पे बिलीव है तो रिस्क लेने का मत सोचो। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट एनालाइज करो कि मार्केट में क्या डिमांड है और क्या आप फुलफिल कर सकते हो उस डिमांड को। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है और जानना है बड़े बड़े बिजनेसमैन किन सभी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अर्ली एज रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर आपको जानना है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें, अदरवाइज लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें।